अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप जहाँ जहाँ आबाद है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमेशा खुश रखे, आमीन। तो आज आप ये बॉक्स देख के हैरान हो रहे होंगे कि आज ये किस चीज़ के ये बॉक्स हैं। ठीक है, ये रजब ब्रांड के 2 वेडिंग वेयर ड्रेसेस हैं जिनकी मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ। ये ड्रेसेस मैंने कहाँ से बाय किए, कितने के बाय किए और क्या है सब कुछ इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, ये मैं अभी आपको ओपन करके इन ड्रेसेस की व्यू करवाती हूँ। ठीक है, पहले मैं ये वाला ड्रेस अनबॉक्स करती हूँ। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें। ठीक है जी, ये वो ड्रेस है और ऑर्गेन्जा के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, रजब ब्रांड का है, ये ओरिजिनल इनका ड्रेस है। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका ट्राउज़र आपको व्यू करवाती हूँ। ठीक है, ट्राउज़र नीचे बिछा के फिर ड्रेस को ओपन कर जी। शर्ट मैंने इसकी ओपन कर ली है, शर्ट पे कुछ इस तरह का वर्क है। ठीक है जी, अड्डा वर्क है और ऑर्गेन्जा ये फैब्रिक है। बहुत ही खूबसूरत ये कलर है और बड़ी नफीस इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। ठीक है, ये इसका फ्रंट है, ये दामन है और शर्ट के ऊपर जो है वो कम्प्लीटली जो है वो हैंडवर्क हुआ है। ये इसके साथ सॉफ्ट नेट का दुपट्टा है, दुपट्टे के ऊपर भी ये हैंडमेड वर्क है। ठीक है, और थ्रेड वर्क है। दुपट्टा जो है वो रेडी है, दुपट्टे के ऊपर किसी किस्म के काम की ज़रूरत नहीं है जी। अब हम इसके बाजू चेक कर लेते हैं। बाजू भी ऑर्गेन्जा पे हैं और ये कुछ इस टाइप के बाजुओं की डिटेलिंग है। और ये है इसकी सिंपल ऑर्गेन्जा बैक। और अब बॉक्स के अंदर क्या है, ये एक पैच है। ठीक है, ये ऑर्गेन्जा पैच है, ये मैं बैक पे लगवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि फ्रंट पे ऑलरेडी है। और ये जो है ये इसका जो ट्राउज़र है उसके ये 2 पैच हैं। ठीक है, ये एक साइड पे और ये सेकंड साइड पे। और अभी मैंने इसका इनर बाय नहीं किया, ये रॉ सिल्क का मैंने नीचे ट्राउज़र बिछाया है ताकि आपको जो शर्ट है उसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो अच्छे तरीके से नज़र आए। ठीक है, और ये कुछ इसके साथ इस तरह की बहुत ही खूबसूरत पर्ल जो हैं वो टेसल्स मिले हैं, ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये कितनी है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये इस टाइप की हैं। ठीक है जी, ये इसके साथ टैसल्स हैं, ये दुपट्टे पे लगाएं, शर्ट के चाकों पे लगाएं, जहाँ जहाँ भी लगाएं। और ये वो ड्रेस है जिसकी मैंने आपके साथ अनबॉक्सिंग की है। ये इसकी प्राइस है 10,500 का। ये ड्रेस बाय की है। ठीक है, और अल्लाह वीडियो के लास्ट पे मैं आपको इस ड्रेस की जो मैं जहाँ से जिस शॉप से बाय की है फैसलाबाद की, वो कौन सी शॉप है उसका मैं आपको भी बताऊँगी। ठीक है, अब हम सेकेंड ड्रेस देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला जी, ये सेकंड ड्रेस है। ठीक है, और पहले हम इसको ओपन कर लें फिर बाकी बात होती है। ये इसकी पहले प्राइस चेक कर लीजिए, ये 10,800 का है। ठीक है, ये भी रजब ब्रांड का है, ओरिजिनल ड्रेस है।
कि ये मैंने ओपन कर लिया है और इसके साथ अभी मैंने इनर बाय नहीं की है। ये मैंने इसका रॉ सिल्क का नीचे ट्राउज़र बिछाया है, सेम कलर का ट्राउज़र है, बेस कलर का, बड़ा ही खूबसूरत इसका कलर है। पहले आप इसकी नेक चेक कर लें, नेक की एम्ब्रॉयडरी, अड्डा वर्क और हैंडमेड इसके ऊपर वर्क हुआ है। क्लोज से देखें, ठीक है, ये वेडिंग वेयर ड्रेसेस हैं। इंशाल्लाह जब ये स्टिच हो जाएंगे तो तब मैं आपके साथ इनकी स्टिचिंग भी शेयर करूंगी। ये मैंने अपनी अम्मी के लिए, मदर इन लॉ के लिए बाय किए हैं। ये आप इसके ऊपर वर्क चेक करें, बहुत ही नफीस कलर है और ये इसका नीचे दामन है, ठीक है। अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये इसके साथ सॉफ्ट काटन का दुपट्टा, सॉरी नेट का दुपट्टा है। नेट के ऊपर ये इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी है, पर्ल हैं और थ्रेड वर्क है, ये सिल्वर तिल्ला वर्क है और ये कुछ इस टाइप की उन्होंने यहाँ पे लेस भी लगाई हुई है बॉर्डर को अटैच करने के लिए। और दुपट्टे के साइड पे जो है वो बॉर्डर है और दुपट्टे की जो लेंथ है उस पर ये वाली लेस हुई हुई है, ठीक है, सॉरी एम्ब्रॉयड्री है, ठीक है। बाकी दुपट्टे के ऊपर जो है ये इस तरह का छट्टा है, ठीक है जी। ये इसका दुपट्टा हो गया और ये उन्होंने बैक के लिए पैच दिया है, बैक पे लगाएं, ट्राउज़र पे लगाएं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। और ये हैं इसके बहुत ही खूबसूरत नाजुक से ये इसके बाजू हैं। और ये जो मैंने आपको पहले ड्रेस व्यू करवाया था वो ऑर्गेन्जा पे है और ये जो है ये है प्योर पे है, मतलब कि ये शिफॉन के ऊपर ये ड्रेस बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी बैक देख लेते हैं, ये है इसकी बैक, ठीक है, और बैक पे पैच बना हुआ है। ये आई थिंक इन्होंने ट्राउज़र पे लगाने के लिए दिया है, ठीक है। बैक इसकी बिल्कुल सिंपल है, जस्ट नीचे एक पैच है, ठीक है, लगा हुआ है, एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। और ठीक है, और ये इसके साथ पैसल्स भी मिली हैं, ये भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये हैं वो टैसल्स, ठीक है, जो पहला ड्रेस था उसकी टैसल्स छोटी थी, इसकी बड़ी हैं, ये अलग अलग से दो हैं, ठीक है। ये दुपट्टों के किनारों पे लगाएं या जहाँ दिल करे, अम्मी तो नहीं लगवाएंगी तो ये मैं ही अपने किसी ड्रेस पे इनको यूज़ करूँगी, ठीक है जी। और ये कुछ इन ड्रेसेस की प्राइस है दोनों की। अब ये मैंने कहाँ से लिया है, ये एड्रेस भी स्लिप के ऊपर आपको शो हो रहा है, ठीक है। ये मैंने मेन बानो बाज़ार स्ट्रीट नंबर 4 फैसलाबाद से बाय की है और अल जन्नत सिल्क हाउस, बहुत ही फेमस फैसलाबाद की ये शॉप है जिसपे वेडिंग वेयर, ब्राइडल, हर किस्म के जो हैं वो ड्रेसेस होते हैं, ठीक है जी। और मुझे उम्मीद है आपको मेरे इन 2 ड्रेसेस की अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी, ठीक है। और मुझे दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द किसी न्यू वीडियो में लेटेस्ट आइडिया के साथ हाज़िर होंगी और बहुत जल्द मैं आपको, जब ये ड्रेसेस सिलाई हो जाएंगे तो मैं इनकी स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।